पिछले कुछ दिनों से देश में बुलीबाई ऐप को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस बुलीबाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की अनुमति के बिना न केवल उनकी तस्वीरों को अपलोड किया जा रहा है बल्कि नीलाम भी किया जा रहा है। अब इस मामले के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से देश में दो शब्दों ने मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक गहमा गहमी बढ़ा दी है। इसकी सोशल मीडिया पर तो खूब चर्चा हो ही रही है, साथ ही यह राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। ये दो शब्द हैं बुलीबाई। इसकी चर्चा आजकल खूब हो रही है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये बुलीबाई और क्यों इसे लेकर इतना बखेड़ा खड़ा हुआ। बुलीबाई ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर नहीं मिलता, यह गिटहब नाम के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी। जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर मुस्लिम महिलाओं का चेहरा नजर आता है, जिसे बुलीबाई नाम दिया गया है। इसमें उन महिलाओं का नाम यूज किया जाता है जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। इन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को प्राइस टैग के साथ साझा किया गया है। यही नहीं, बुलीबाई नाम के एक ट्विटर हैंडल से इसे प्रमोट भी किया जा रहा था। इस हैंडल पर मुस्लिम महिलाओं को बुक करने की भी बात लिखी गई थी। हालांकि भारत सरकार के दखल के बाद अब इस ऐप और इस ट्विटर हैंडल को हटा दिया गया है। बुलीबाई ऐप गिटहब प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद था। ऐसे में यहां से भी समझना जरूरी है कि आखिर गिटहब क्या है। गिटहब एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और अपने यूजर्स को कोई भी ऐप क्रिएट करने और इसे शेयर करने का ऑप्शन देता है। आप यहां पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी तरह का ऐप शेयर करने के साथ ही इसे बेच भी सकते हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उस हिसाब से बुलीबाई ऐप बिल्कुल सुली डील्स की तरह है। सुली डील्स पिछले साल सुर्खियों में आया था, उसमें भी मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों का मिसयूज किया जाता था। खास बात यह है कि सुली डील्स को भी गिटहब प्लेटफॉर्म पर ही चलाया गया था। हालांकि शिकायत मिलते ही दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई भी की थी और एक बार फिर बुलीबाई ऐप मामले में भी दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई है। पुलिस ने गिटहब से इसे बनाने वाले की जानकारी मांगी है, साथ ही ट्विटर पर उस अकाउंट की डिटेल भी मांगी गई है जिसने पहली बार इसे ट्वीट किया था। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।